यहाँ भाग के भी चाहिए रहा, ये देख रहा है मैं बंदूर लाइट है, मतलब ये देख ऊपर आ रहा गए, ऊपर उधर चला मारेंगे सड़क पे, डीजे डीजे चलेंगे वहां से। है सात पुली 8 किलोमीटर यहाँ से, ये देख रहा देखो देखो, देखो 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 मुंह पूरा। निकाला इसने, मुंह निकाला, ये रहा बाघ। ये जा रहा ना? देखो इधर आ गया। हाँ वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी टाइम है लंच का, तो हम लोग फटाफट से खाना खा लेते हैं और इसने खाना भी शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स हम आए क्रिकेट खेलने कालू और मंकू, और अब चलो हम खेलते क्रिकेट। आवारा हूँ आवारा। तो अभी मैं और सिम्बा भी आ चुके हैं छत पे। क्या हो गया? बच्चों का भला हो जाएगा थोड़ा। जा ऐसे ऐसे करके जा, स्लाइड करके। अब मैंने बोला जो भी बॉल खोएगा वही बॉल लाएगा, और रिंकी ने बॉल ढूंढ दी। घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। और फिर से इन्होंने बॉल जो है वो इधर झाड़ियों में फेंक दिया। मंकू बहुत जबरदस्त कोशिश करते हुए बॉल निकालने की, और ये सफलता हासिल हो गई इसे। ये फिर से माने बॉल ले लिया। क्रिकेट खेलने के बाद में हम लोग आ चुके हैं नीचे, और सनसेट हो रहा है। देखो पेड़ों के बीच में से सूरज की रोशनी कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हैं इस पर। दूध पियो फटाफट। और अभी मैं और इस पर जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, सब्जी वगैरह, पर ये दूध ही नहीं पी दे रहा है जल्दी। तो दूध गर्म ही होता है। मैंने हमेशा देखा है कि जिस दिन यहाँ पूरे आसमान में बादल रहते हैं ना, उस दिन चाहे सूरज दिन भर दिखे ना दिखे, लेकिन शाम को अस्त होते समय जरूर दिख जाता है। अभी भी देखो इधर बादल है, बादल बादल बादल, इधर सब जगह बादल है, और उस तरफ अस्त हो रहा है तो थोड़े से बादल हट गए हैं। लोग सारे अब अपने घरों को जाते हुए, सब लोग दूर दूर गाँव में रहते हैं, मार्केट आते हैं किसी काम से सामान वामान खरीदने। बच्चे रेस लगा रहे हैं देखो बीच सड़क में। स्पर्श खेल बाद में देखना, पहले दूध पी लो फटाफट से। बना रही हूँ रात का खाना, और रात के खाने में बन रही है आज आलू गोभी की सब्जी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। रात के 11 बज चुके हैं और अभी तक हमने डिनर नहीं किया है, क्योंकि सौरभ के ऑफिस में काम चल रहा है और वो ऑफिस से नहीं आया। सिर्फ स्पर्श कर रहा है डिनर, बाकी एक सदस्य है हमारे घर में जिसने आज बहुत बदतमीजी दिखाई है। उसने जाके बर्तन में मुंह मारा है किचन में जाके। उसको किचन में जाना अलाउड नहीं है, पर 2-3 दिनों से मैं उसको देख रही हूँ रोज, तो आज मैंने उसे डांटा है। तो देखो यहाँ ये छुप के बैठ गए हैं, क्योंकि ये इनके लिए बिल्कुल इजी अड्डा है, यहाँ तक इन तक कोई पहुँच नहीं सकता। क्योंकि इसने मेरे को देख लिया था, मैं चार्जर लेके आई तब तक ये अपना काम कर रहा था वहाँ चुपचाप, और जैसे इसने मुझे देखा कि ये आ गई है, ऐसे पूंछ दबा करके यहाँ, इसे पता है कि गलती भी कर रखी मैंने। इधर देखो सिम्बा, चल बाहर आ जा। मेरी सिम्बुड़ी आज बच्चू बाहर आ। हाँ आले बच्चू आज बच्चू। हाँ आओ आओ बाहर आओ, तुम्हारा स्वागत होगा पान बराग से। किचन में कौन गया था? हेलो कर जल्दी। हाँ देख कितने सराफत से इसने हेलो करा, तो पंच कर दो तब मैं माफ कर दूंगी। पंच कर दो जल्दी। हाँ अब आया ना गुड बॉय, माफ कर दिया, अगली बार से किचन में मत जाना ठीक है, और बर्तन में मुंह मत मारना ठीक है। बोलो हाँ 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 हाँ। ओ डिनर का तो पता नहीं अब कब करेंगे, मैं तो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि 11 बज चुके हैं, इतने लेट तो अब मैं डिनर करूंगी नहीं, पर भैया आ रखे हैं वो लोग करेंगे। और तो पता नहीं तब से, मतलब तब से 11 बज गई तब से नहीं आ रखे पापा। हाँ काम चल रहा है क्योंकि उनके ऑफिस में, तो जब तक वो लोग नहीं आते तो मैं व्लॉग ये एडिट करना शुरू कर देती हूँ। इसलिए व्लॉग एडिट करने के लिए मुझे व्लॉग एंड करना पड़ेगा, तो इसी व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और आज बहुत मजे आए,
क्योंकि सिम्बा ने छत में ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे और इन्होंने बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेलने दिया, तो उसे देख के बहुत मजा आया मुझे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। और जब सिम्बा ये सारी हरकतें कर रहा था, मैं इस आदमी को जिम्मेदारी सौंप के गई थी कि इस पर मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, जरा देख लेना। हाँ हाँ, और पूरा ध्यान साउथ इंडियन मूवी में लगा रखा था। और मैंने कहा सिम्बा कहाँ है, देखा तो ये आराम से मूवी देखने में लगा हुआ। ये इसकी वजह से हुआ है ज्यादा, ये इसकी वजह से, क्योंकि इसे टीवी देखने से फुर्सत नहीं होती है।